तो 23x40 का हाउस प्लान 23 फीट और 40 फीट, 30 फीट, सॉरी 30 फीट लेंथ एंड ब्रेथ का हाउस प्लान 23x30। ओके, तो इसमें हम जो बिल्डिंग प्लान बनाए हैं उसका डिटेल आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हमारा जो कॉलम का पोजीशन है हम पहले वही आपके साथ शेयर करेंगे, उसके बाद बाकी जो पोर्शन आएगा ठीक है उसका हम बाद में आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहले हम देखिए कॉलम का पोजीशन यहाँ पर सेट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम ड्राइंग के डिटेल्स पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर कॉलम आएगा तो आप यहाँ पर भी कॉलम पर बैठ कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद इधर भी कॉलम पर बैठ कर दीजिए, इधर, ओके, इधर भी कॉलम पर बैठ कीजिए और इधर भी आपको करना होगा क्योंकि इधर एक जॉइंट आएगा। उसके बाद देखिए इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस वाइज हम कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, उसके बाद इधर एक कॉलम हम प्रोवाइड करेंगे, ओके, और बाकी पोर्शन में हमको इधर एक कॉलम प्रोवाइड करना है, तो बाद में हम दिखाएंगे क्यों यहाँ पर कॉलम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो वॉल है वही हम इधर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, जिस वॉल इसका पार्टीशन वॉल आएगा, ठीक है, इसका हम इधर थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, देखिए ऐसे ब्लू रेड ब्लैक कलर से हम ऐसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर, ओके, से यहाँ पर आएगा, इधर भी आएगा, ठीक है। उसके बाद इधर बाकी जो वाइट कलर का पोर्शन रहेगा तो उसमें आप विंडो का पोजीशन ऐड कर दीजिए, आपका बिल्डिंग प्लान अच्छे से हो जाएगा। तो देखिए इसमें हम इंटरनल और आउटर वॉल 5 इंच का रखा है, 125 mm इसका मतलब, ठीक है, मिलीमीटर में, और यहाँ पर जो है हमने रखा है ऐसे, ओके। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका विंडो का पोजीशन हम थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे इधर ऐसे, और इधर भी हम वेंटिलेशन प्रोवाइड करेंगे ऐसे, इधर विंडो का पोजीशन हम ऐसे प्रोवाइड करेंगे, इधर भी विंडो आएगा हमारा, ठीक है, और इधर थोड़ा सा विंडो इधर आएगा, इधर भी हम विंडो लेकर आएंगे, ओके, इधर भी हमारा विंडो आएगा ऐसे, इधर भी ऐसे विंडो आएगा, ठीक है। विंडो के बाद हम जाएंगे डोर का पोजीशन सेट करने के लिए, ठीक है, तो डोर इधर हम सेट करेंगे पहले, देखिए यहाँ पर डोर, और इसके बाद इधर आएगा डोर, ओके, यहाँ पर डोर, इसके बाद आएगा इधर डोर, ओके, और इधर आएगा एक डोर, ओके, और इधर आएगा जो है गेट, उसके बाद इधर से स्टार्ट हो जाएगा स्टेयर का आप, और इधर से आएगा एंट्री, ओके, इधर से आएगा एंट्री। बाकी जो पोर्शन है उसका डिटेल्स हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो उससे पहले हम जाएंगे कॉलम का जो पोजीशन है यहाँ पर, देखिए ऐसे तो कॉलम आएगा, इस पोजीशन को हम कैसे यहाँ पर सेट करेंगे इसको हम बात पर में हम बात करेंगे आपके साथ। देखिए ऐसे आएगा कॉलम का पोजीशन, ओके, ऐसे, उसके बाद इसका जो स्टार्टिंग में इधर आएगा 3 फीट, ओके, इधर आएगा 3 फीट, 3 फीट, ओके, इसका जो डिस्टेंस है आएगा 10 इंच, और इसका टोटल डिस्टेंस जो आएगा इधर से 10 फीट, और इधर जो डिस्टेंस आएगा 14 फीट, यहाँ पर रहेगा ड्राइंग प्लस वेटिंग रूम और स्टेयर रूम भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन है इस ए वाइज हम इधर
थोड़ा सा इसका जो रेलिंग है इसको हम हाईलाइट करेंगे। देखिए दो साइड में दोनों बैल्कनी हमने प्रोवाइड किया, इधर भी रेलिंग होना चाहिए, तो उस रेलिंग को हम थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओपन रहेगा, ठीक है। यहाँ पर डोर, तो देखिए यहाँ पर रूम का जो एरिया है हम ऐसे रखेंगे, यहाँ पर ओपन रहेगा। यहाँ पर एक डोर तो आएगा, जो डोर हम यहाँ से करेंगे, यहाँ पर एक बैल्कनी आएगा। ओके, तो बैल्कनी का डिस यहाँ पर जो विड्थ आएगा 4 फीट 6 इंच। ओके, बाकी तो घर के साथ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एक बेडरूम यहाँ पर आएगा। ओके, तो इसका डिस्टेंस जो रहेगा 11 फीट 9 इंच, 12 फीट। ओके, नेक्स्ट इधर रहेगा डाइनिंग रूम। ओके, इधर रहेगा बैल्कनी। ओके, इधर किचन। ओके, तो बैल्कनी का जो डिस्टेंस इधर है 4 फीट 5 इंच, वाइड जो है 7 फीट 5 इंच, किचन 7 फीट, और इस साइड 7 फीट 10 इंच। ओके, नेक्स्ट इधर जो आएगा 9 फीट 4 इंच, इधर जो आएगा 12 फीट 3 इंच। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आएगा एक वॉश एरिया। ओके, यहाँ पर बाथ प्लस लैट्रिन एरिया। ओके, तो वॉश एरिया जो आएगा 3 फीट 10 इंच वाइड का, और इधर ओपन रहेगा, और इधर रहेगा जो डिस्टेंस है 5 फीट, और इधर डिस्टेंस में 8 फीट। ओके, तो और इधर जो है कॉलम साइज रहेगा 10 इंच 12 इंच, आउटसाइड वॉल इसका थिकनेस 5 इंच, इनसाइड वॉल इसका थिकनेस 5 इंच। ओके, नेक्स्ट जो आएगा 23 x 30 इज़ टू 690 स्क्वायर फीट, टोटल स्क्वायर फीट। बिल्डिंग कॉस्ट, तो आपको बिल्डिंग कॉस्ट कैसे बाहर लेना है, देखिए 690 x 1400 को इंटू कर दीजिए तो आपको टोटल बिल्डिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो ठीक है, कितना आएगा देखिए, 9,66,000 रुपीज़ आपको आएगा टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलते हैं।